नमस्कार बागवान साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वूली एफिड की रोकथाम के उपायों की। वूली एफिड सेब के पौधे का सबसे खतरनाक दुश्मन है। यदि एक बार यह बगीचे में दस्तक दे देता है तो बागवान साथियों को बहुत परेशान करता है। अक्सर देखा गया है कि जो बगीचे अधिक नमी वाले क्षेत्र में होते हैं, वहां पर वूली एफिड का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर वूली एफिड का सबसे ज्यादा प्रकोप जनजातीय जिला किन्नौर में देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर में तो यदि बगीचे में नजर दौड़ाई जाए तो वूली एफिड का इतना प्रकोप है कि देखकर लगता है मानो पौधों पर बर्फ गिरी हो। विशेषज्ञों का कहना है कि अधिक ठंड वाले इलाकों में वूली एफिड सबसे ज्यादा तेजी से पनपता है। पौधे पर वूली एफिड सफेद रुई की तरह दिखता है। रुई के अंदर कीट छुपे हुए होते हैं जो टहनियों से रस को चूसकर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। जिस समय सेब की फसल तुड़ान के लिए पूरी तरह तैयार होती है, उस समय वूली एफिड पौधों पर सबसे ज्यादा दिखाई देता है। यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में वूली एफिड की संख्या सबसे ज्यादा होती है। यदि किसी बगीचे में ऐसा दिखे तो सेब तुड़ान के तुरंत बाद इसकी रोकथाम के उपाय शुरू कर देने चाहिए। आइए अब बात करते हैं वूली एफिड की रोकथाम के उपायों की। वूली एफिड से प्रभावित बगीचों में सेब तुड़ान के तुरंत बाद 200 लीटर पानी में 400 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अक्टूबर महीने के बाद जब ठंड शुरू होने लगती है तो वूली एफिड कीट टहनियों से जड़ों की तरफ चलना शुरू करते हैं और जड़ों में अपने छुपने का स्थान बनाते हैं। इसलिए ऐसे समय में जब यह कीट टहनियों से जड़ों की ओर चलना शुरू करते हैं तो उस समय पौधे के तनों में स्टिकी बैंड का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ही यह स्टिकी बैंड के पास पहुंचता है तो यह उसमें चिपक जाएगा और वहीं मर जाएगा। जड़ों में छुपे वूली एफिड को टारगेट करने के लिए थेमेट या फोरेट का प्रयोग किया जा सकता है या दिसंबर महीने में क्लोरोपाइरीफॉस की ड्रेंचिंग भी की जा सकती है। जड़ों में आप इसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं जिससे यह कीट जड़ों में ही मर सकता है। जो पौधों में प्रूनिंग के घाव होते हैं या दूसरे फटे हुए हिस्से होते हैं पौधों के, उन पर पेस्ट लगा देना चाहिए क्योंकि ऐसी जगहों पर वूली एफिड पनपने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। इसके अलावा बागवान साथियों, यदि आप नई प्लांटेशन करते हैं तो ऐसे रूट स्टॉक का चयन करना चाहिए जो वूली एफिड रेजिस्टेंट हो। इसमें MM106, MM111 और जिनेवा सीरीज के बहुत सारे ऐसे रूट स्टॉक है जो वूली एफिड रेजिस्टेंस है। बागवान साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स या इंस्टाग्राम पर दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबाकर ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। हम बागवानी से संबंधित वीडियोज लगातार आपके लिए लेकर आते रहते हैं।